गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नवरात्रि का छठा दिन और गोरखपुर सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज हम जा रहे हैं लेड़ा देवी माता के दर्शन करने। गोरखपुर मेन शहर से बाहर निकलकर हम पहुंचने वाले हैं महेसरा पुल, जहां से हमारा सनराइज कैप्चर करने का प्लान है। कहते हैं एक फोटोग्राफर या ट्रेवलर अपने जीवन में किसी साधारण आदमी की अपेक्षा 50-60% ज्यादा सनराइज और सनसेट देखते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, ये गोल्डन आवर्स फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन लाइटिंग सिचुएशंस होते हैं। यह महेसरा ताल जो महेसरा नदी से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना, गोरखपुर कई सारी नदियों और तालों से घिरा हुआ है जो गोरखपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यह गोरखपुर का खाद कारखाना। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद अब यहाँ इस हिस्से में पानी कम हो गया है, वरना बरसात में ये सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। यह नेशनल हाईवे 24 जो गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुनौली को जाता है। ये शानदार सड़कें, खाद कारखाना, शहर के साथ नदियों और तालों का सौंदर्यीकरण, ये सब मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी की देन है। कितना खूबसूरत दृश्य है ना, प्रकृति और विकास एक साथ एक फ्रेम में। सनराइज देखने के बाद अब वक्त हो चला है आगे बढ़ने का। हवा में ठंड का एहसास हो रहा है। मंदिर यहां से 50 किलोमीटर दूर है और देर हो गए तो वहां काफी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। सफर सुबह जल्दी शुरू करने के कारण हर तरफ खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे सफर में हल्की ठंड के बीच मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय देखकर सबको लालच आ गया। दस मिनट के ब्रेक के बाद वापस हम सड़कों पर फर्राटा भरते हुए फरिंदा रेंज पहुंचे ही थे कि इस नजारे ने हमारा रास्ता रोक लिया। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप बेहद सुनहरी लग रही है। ड्रोन में अब भी 50% बैटरी बाकी है, तो चलिए कुछ ऐसे नजारे देखते हैं जो पहले कभी ना देखा हो। इस रास्ते से मैं कई बार गुजर चुका हूं, पर कभी एहसास ही नहीं हुआ ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक जंगल का फैलाव है। कितना खूबसूरत नजारा है, सुबह की धूप, पेड़ों के रंग, जाने कैसे इस खूबसूरती पर पहले कभी भी मेरी नजर ही नहीं गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इस जंगल में रोड के साथ लगे कई ब्लू पाइन ट्रीज यानी चीड़ के पेड़ देखने को मिले, जो इंडिया में ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। शायद माइग्रेटरी बर्ड्स ने पास ही मौजूद नेपाल के पहाड़ों से इनकी सीड्स लाकर यहाँ बोए होंगे। मौसम साफ रहने पर इन पहाड़ी रेंजों को यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है। पूरी तरह खिल चुकी है पर इतनी ग्रीनरी है यहाँ कि अब भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। आनंद नगर चौक से लेफ्ट मुड़कर हम चल दिए ब्रिजमनगंज रोड पर। एक और फॉरेस्ट रेंज हमारे लेफ्ट में दिख रहा है और सामने भी जंगल की शुरुआत हो गई है। इस जंगल के पेड़ पिछले जंगल की अपेक्षा उम्र में कम है। अगर आपने हमारी लद्दाख सीरीज देखी है
तो आप अपूर्व, राजन, अनीश से तो परिचित होंगे। आज इस सफर में मेरे साथ सौरभ भी आए हैं, जिनकी शादी फिक्स हो रही है। लड़का लफंडर है और बाइक पर घूमता रहता है, ऐसा सोचकर शादी ना टूट जाए इसलिए ये कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। खैर, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे, हमारा दोस्त है तो जलेबी की तरह सीधा ही होगा। हम पहुंच गए लैला देवी के मंदिर, जिसे हम माँ आद्रवन वासिनी के नाम से भी जानते हैं। अपेक्षाकृत आज भीड़ कम है, या शायद ऐसा हमारे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुंच जाने की वजह से है। दोस्तों, ये माँ भगवती का मंदिर है। कहते हैं पुराने समय में ये आद्रवन नाम के सघन जंगल से घिरा हुआ था। पवन नदी के तट पर यह माँ वन देवी दुर्गा का मंदिर है। मान्यता है कि अर्दोना देवी के मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास काल में स्वयं अर्जुन ने की थी। पुराने समय में इस मंदिर को अर्दोना देवी स्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस मंदिर का नाम बदलकर लैला देवी मंदिर रख दिया गया। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन की पूजा से प्रसन्न होकर वन देवी माँ दुर्गा ने उन्हें अमोद शक्तियां प्रदान की थी। कहते हैं यहीं पर युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई थी। यहाँ वन देवी की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि एक बार एक युवती नाव से पवन नदी पार कर रही थी। उस युवती को देखकर नाविक की नीयत खराब हो गई थी। बीच नदी पहुंचकर जैसे ही नाविक ने युवती को स्पर्श किया, नाविक नाव सहित शिला में परिवर्तित हो गया। तब वन देवी स्वयं प्रकट होकर युवती की रक्षा की थी। यह स्थान एक प्राचीन तपस्थली भी रही है और यहाँ अनेक सिद्ध योगियों का वास रहा है, जिनमें से एक थे योगी बाबा वंशीधर। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक शेर व मगरमच्छ को शाकाहारी बना दिया था। राधे, 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 गोविंद, राधे। चीनी यात्री हिनसांग ने इस मंदिर का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में किया है। ये वही हिनसांग है जिनकी किताबों के अध्ययन के बाद विलुप्त हो चुके कुशीनगर के बौद्ध मंदिर का पता चला था, और फिर 1876 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में मंदिर को दोबारा ढूंढा जा सका। विस्तार से जानने के लिए इस सीरीज का एपिसोड 1 कुशीनगर जरूर देखें, लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज इस स्थान पर आने से पहले मैंने पहाड़ी इलाकों में पेड़, पशु पक्षियों से लोगों का विशेष जुड़ाव देखा था। अनेक जनजातीय लोग इनको पूजते हैं, पर शहरी जीवन के इतने करीब वन और इतनी प्राचीन वन देवी के मंदिर के प्रति लोगों की आस्था देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आसपास की चीजों से अब तक परिचित ही नहीं था। मंदिर से कुछ दूरी जंगल में ऐसा ही एक मंदिर मिला है जो अब तक देखे गए सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मंदिर को देखकर पता चलता है कि सनातन धर्म सदियों से प्रकृति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है।